नमस्कार, मैं हूं शालू बत्रा और आप देख रहे हैं पल पल। नवरात्र के पहले दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने माता मनसा देवी के दर्शन कर प्रदेश की समस्त जनता के लिए सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की और हवन यज्ञ में आहुति डाली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 50 लाख रुपए की लागत से बनी नई सीढ़ियों और शेड का उद्घाटन भी किया। यज्ञशाला के कॉरिडोर के विस्तार और वाटिका के निर्माण का भी शिलान्यास किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि माँ एक शक्ति है, हमारी संस्कृति है और हरियाणा की जनता सदा खुशहाल रहे, ऐसी मनोकामना हम करते हैं। देखते रहिए पल पल की खास रिपोर्ट। हमारा एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक त्योहार माइक नीचे कर लो यार, जो नवरात्रों के रूप में मनाया जाता है, आज पहला नवरात्रा है और अरे माइक नीचे कर लो। पहले नवरात्रे पर आज हर वर्ष की भांति मैं माता मनसा देवी में दर्शन करने के लिए आया हूँ। माँ एक शक्ति है, हमारी संस्कृति है, हमारी पूजा है और इस नाते से जो भी मंगल कामना हम यहाँ करते हैं पूरी होती है। हरियाणा की जनता के हित में मैंने हमेशा कामना की है कि हरियाणा की जनता हमेशा हमेशा खुशहाल बने, मंगलमय हो। ये पूरा नवरात्रों का आशीर्वाद, माता मनसा देवी का आशीर्वाद पूरे हरियाणा की जनता को हो। आज दो प्रोजेक्ट्स का यहाँ शिलान्यास भी किया गया है और एक उद्घाटन भी किया है। नई सीढ़ियाँ और शेड जो CSR से 50 लाख रुपए की लागत से तैयार हुआ है, उसका आज उद्घाटन हुआ है, लोकार्पण हुआ है। और जो यज्ञशाला को जो हम लोग कॉरिडोर देखते हैं, इसको डबल करना है और एक वाटिका जिसका निर्माण होगा, उन दोनों प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी किया गया है। उत्तरोत्तर हम सब लोग माँ की कृपा से आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामना। मैंने हर बार माँ से एक ही कामना की है कि हरियाणा की जनता, 2 करोड़ जनता, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इनका सबका कल्याण हो और लगातार हम उनकी सेवा में लगे रहें।